आज हम बनाने जा रहे हैं शक्करकंद के रसगुल्ले यानी कि गुलाब जामुन, और वो बनने वाले हैं हमारी बहुत ही शॉर्टकट चीज के साथ। उसके हमें ये पांच चीजें चाहिए, आप देख सकते हैं पांच चीजें क्या क्या है। सबसे पहले हमें शक्करकंद रसगुल्ले बनाने के लिए जो गुलाब जामुन है उसके लिए चाहिए एक शक्करकंद, जिसको भी हम घिस लेंगे या मैश कर लेंगे, आपको जैसा सही लगे, फिर इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, ठीक है। और हमें साथ में चाहिए कम से कम 1 बाउल ऑफ, ये एक बड़ा बाउल है ना, मीडियम साइज का, इसमें हमने 1 कप लिया है मिल्क पाउडर, 2 चम्मच टेबल स्पून घी चाहिए हमें, थोड़ी सी इलायची चाहिए चाशनी बनाने के लिए, और साथ ही हमें यहाँ पे कुछ चाहिए थोड़ी शुगर जो कि हम चाशनी में डालेंगे, और मैदा 2 स्पून, और थोड़ा सा पानी जिससे हम चाशनी बनाएंगे। तो आइए दोस्तों हम तैयार करते हैं अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे टेस्टी से शक्करकंद गुलाब जामुन। तो दोस्तों बनाते हैं हम अपनी अच्छी सी रेसिपी, और आप प्लीज मुझे कमेंट करना ना भूलें कि रेसिपी कैसी लगी आप लोग को। हमने शक्करकंद को अच्छे से घिस लिया है, आप चाहे तो इसे मैश भी कर सकते हैं, हमने इसको घिस लिया है, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले यूज करेंगे मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर आपको पूरा का पूरा ये आपको एक बॉल चाहिए यहाँ पे, तो हम इसमें सारा मिल्क पाउडर डाल देंगे। देखिए सारे लम्स को आपको तोड़ना है अच्छे से, ये हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है 1 बाउल। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा सा टेबल स्पून हमारा मैदा, मैदा पूरा आपको 1 टेबल स्पून डालना है मिक्सर में। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी, इसे हमें इस पूरे को अच्छे से मैश करना है। मैश ऐसा करना है कि आपका इसमें थोड़ा सा भी, ये जो थोड़ा सा घी हमने रख लिया है ना, इसे हम हाथ में लगा के घिस करके इसकी गोलियां बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको अभी आपको दिखाना है मैश करके, आप चाहे से हाथ से मैश कर सकते हैं। इसमें एक भी जैसे आप ये देख सकते हैं ना, ये लम्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। तो आइए अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे, घी हल्का सा इसे बस एक टच देंगे घी का, ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से हो जाए। इसको हम आधे घंटे के ढक के रख देंगे, ठीक है गाइस, कम से कम 15 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। आप देख सकते हैं मैं इसे कवर कर रही हूँ, और इसके बाद हम इसकी गोलियां बनाएंगे, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं, ठीक है गाइस। पैन पे हम यहाँ पे 1 बाउल शुगर डालेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम पानी डालेंगे। तो हम इसमें 1 बाउल जैसे हमने शुगर लिया, तो इसमें हम 1 बाउल थोड़ा सा कम वाटर लेंगे, और इसे अच्छे से चलाएंगे। इसको आप चलाते रहेंगे अच्छे से जब तक ये मेल्ट ना हो जाए, कम से कम 10 से 15 मिनट आप चलाएंगे, जब तक इसमें दो रेशे ना बन जाए। यहाँ पे हमने थोड़ी सी इलायची ली है, 2 इलायची, इन दोनों इलायची में अच्छे से खोल दी अच्छे से। अब इसमें तार नहीं बनाया, थोड़ा सा और बताएंगे चाशनी को, जब तक थोड़ा सा इसका लिक्विड कम हो जाए। चाशनी की रेडी हो गई, अब हम इसे ठंडी करने रख देंगे, तब तक हम अपनी आटे की लोइयां बना लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, कढ़ाई को गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें ऑयल डालेंगे, देन हम तक हम अपनी लोइयां तैयार करते हैं, देन हमारा ये आटा भी रेडी है। अब इससे हम लोइयां बनाएंगे, लोइयां ऐसे बनाएंगे कि क्रैक्स ना पड़े, तो हम रेडी करते हैं आगे की रेसिपी। कई सी हमने लोइयां बना के रख दी हैं, सारा आटा हमने इसी में कंप्लीट कर दिया है। गैस की फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए, आप मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर फ्लेम तेज होगी तो हमारे वो फट भी सकते हैं, और अगर मीडियम फ्लेम में पकाएंगे तो अच्छे से सिक भी जाएंगे अंदर तक, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे ही अपने गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। हुआ कि नहीं हुआ गरम, इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटी सी डाल के रखेंगे इसमें, ये देखिए इसको हल्के हाथों से हम टर्न करेंगे, देखिए सिक रहा है, बाकी भी ऐसे डालेंगे हम इसमें, बाकी भी ऐसे ही सिकेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सिक रहा है हमारे प्यारे प्यारे गुलाब जामुन, ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे गुलाब जामुन, इसको कम से कम 40 से 45 मिनट्स ढक के रखेंगे, उसके बाद अपने रसगुल्ले खाने के लिए, फिर उसके बाद अपने रसगुल्ले खाने को रेडी हो जाएगा। इस देखिए आप देख सकते हैं रसगुल्ले, इनको हम कम से कम 45 मिनट्स के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इन्हें सर्व करेंगे बॉल में। कैसे देखिए शक्करकंद कितने सारे रसगुल्ले बन के रेडी है, कैसे आप देख सकते हैं बजान की तरह बने शक्करकंद के रसगुल्ले बन के रेडी है। 45 मिनट्स के हमने इसे छोड़ दिया था, बताइए क्या ये शक्करकंद के रसगुल्ले लग रहे हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा, उसका टेस्ट मैं आपको चख के बताती हूँ गाइस। सबसे पहले हम इसे बॉल में सर्व करेंगे, ठीक है, देख सकते हैं गाइस बहुत ही यम लग रहा है, डिलीशियस लग रहा है, साइज भी काफी फूल गए चाशनी में रखे,
देखिए गाइस, हमने इसे एक बॉल में निकाल लिया है और इसे हम थोड़ा सा नारियल के बुरादे से गार्निश कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। गाइस इतना सॉफ्ट है कि आप देखते नीचे वाला खुद ही पूरा का पूरा खिचक गया उससे। चलिए गाइस, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लजीज से रसगुल्ले कैसे लगे शकरकंद के। ये देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर लाजवाब ये हमारे पैन में है। पैन से दो रसगुल्ले निकाले हैं आपको गार्निश में। मावे के रसगुल्ले को भी ये फेल कर रहा है गाइस। आप देख सकते कितना सॉफ्ट है ये, देखिए स्पून लगाते एकदम स्पंज की तरह बैठ लोग। तो गाइस क्या बोलना चाहिए आप इस प्यारे से टेस्टी से यम्मी से रसगुल्ले को।